तो एप्लीकेशन लास्ट है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग शीट। लॉन्ग शीट समझते हो, ये इनफाइनाइट शीट है, ये ऐसी शीट है, ये देख रही हो लॉन्ग शीट ऐसी है, तो आपको ये इनफाइनाइट पूरा मतलब चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, और इसके अंदर करंट है, यहाँ पे इसके अंदर अंदर करंट है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, शीट के अंदर करंट है। तो आपको ये शीट का ये वाला हिस्सा दिख रहा है बस, ये नहीं दिख रही आपको, टॉप व्यू नहीं दिखा रहा ना, साइड व्यू दिखा रहा है, तो आपको सिर्फ ये दिख रहा है। तो ये शीट क्लियर है यहाँ तक, और डॉट 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 का मतलब है करंट कहाँ आ रहा है शीट में, इस तरफ, शीट के अंदर, ये आप रूम के बाहर नहीं आ रहा, शीट के अंदर 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 करंट ट्रेवल कर रहा है। तो आपको इसके ऊपर इसके नीचे बी निकालना है। आपको याद है गॉस थ्योरम के अंदर भी चार्ज शीट की वजह से ई निकला था, और क्या था वो, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता था, फॉर्मूला सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट था शीट की वजह से। इसके अंदर भी यही है, इनफाइनाइट शीट है तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आएगा। तो इमेजिन कर लो कि सपोज आपको बी यहाँ निकालना है, मान लो आपको कहीं तो बी निकालना है, तो मेरे से पूछा आपने कहाँ निकालना है, मैंने कहा यहाँ निकालना है, फिर मैंने कहा और कहाँ निकालना है, आपने कहा यहाँ निकालना है, तो मैंने कहा ठीक जहाँ तुम कहोगे बी निकालना है वहाँ पर मैं ले लूँगा एक क्लोज्ड पाथ। तो मैंने क्लोज पाथ यहाँ से पास कर दिया, फिर मैंने यहाँ से पास कर दिया, जहाँ जहाँ बी चाहते हो निकालना वहाँ वहाँ मैं से क्लोज पाथ पास कर दिया। तो ये डॉटेड 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 मेरा क्लोज पाथ है, सही है, मेरी मर्जी जैसा भी ड्रॉ करूँ, चाहे सर्कल ड्रॉ करूँ चाहे ना ड्रॉ करूँ, जो कन्वीनियंट है वो ड्रॉ करूँगा, और रेक्टेंगल कन्वीनियंट है इसमें। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस पॉइंट पर बी की डायरेक्शन क्या होगी, ये करंट कहाँ आ रहा है बोर्ड के बाहर आ रहा है, ये करंट कहाँ आ रहा है बोर्ड के बाहर आ रहा है, थंब करंट के साथ है, थंब करंट के साथ है, तो बी कैसे होगा लेफ्ट ऐसे। अच्छा यहाँ पे निकाल लें बी कैसे होगा, करंट कैसे ऐसे है, बी कैसे होगा लेफ्ट, यहाँ पे कैसे होगा करंट बाहर है, बी कैसे होगा लेफ्ट, तो हर पॉइंट पर कैसे होगा लेफ्ट होगा। लेकिन अगर मैं कोई पॉइंट नीचे लेता हूं तो करंट तो ऐसे ही रहेगा, पॉइंट ऐसे है तो कैसे होगा मेरी तरफ, कोई पॉइंट यहां होगा तो कैसे होगा मेरी तरफ, कोई पॉइंट यहां पे होगा कैसे होगा मेरी तरफ। तो अगर कोई पॉइंट शीट के नीचे है तो बी राइट है, अगर कोई पॉइंट शीट के ऊपर है तो बी लेफ्ट है, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो अब एक काम करो, बी डॉट डी एल घुमाओ, और मान लो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, ये इनफाइनाइट शीट है, पर इमेजिन कर लो ये डिस्टेंस आपने एच लिया, मैं एच को एलिमिनेट कर दूंगा, ये डिस्टेंस एच है। अब इसमें देखो ये डिस्टेंस एच है, ध्यान से देखना, पहले मैं ए से लेके बी तक जाऊंगा, बी वेक्टर राइट है, डी एल वेक्टर भी राइट है, तो बी और डी एल में एंगल क्या बनेगा जीरो, बी इधर है डी एल भी इधर है, बी डी एल कॉस जीरो, इसमें डीएल इधर चला गया, बी तो लेफ्ट या राइट है, तो एंगल सेकंड केस में क्या बनेगा 90, तो बी डॉट डीएल जीरो। इसमें बी लेफ्ट है, डीएल भी लेफ्ट है, क्योंकि मैं सी से डी जा रहा हूं, तो फिर से एंगल क्या बनेगा जीरो, और फिर एंगल क्या बनेगा 90, तो यहां पे 90 यहां पे जीरो जीरो, तो आपके पास क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, यहां से यहां की लेंथ क्या एज्यूम की आपने एच, तो डीएल 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 विल गिव एच, और ऐसी यहां पे डीएल 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 विल गिव एच, ऐड करके आंसर आ गया। अब एम्पियर सर्किट लोग कहते हैं ये करने की जरूरत क्या थी, मेरे को बताओ मेरा क्लोज पाथ क्या है, मैंने कहा ये रहा क्लोज पाथ, कहता है इसके अंदर करंट क्या है, मैंने कहा आई, तो कहता म्यू नॉट इनटू आई, तो आप इन्हें इक्वेट कर लें और बी का फॉर्मूला निकाल लें। पर एक प्रॉब्लम है इसमें, जो मैंने आई करंट लिया वो सिर्फ क्लोज पाथ का करंट है, जबकि शीट में करंट तो बहुत बड़ा था, इनफाइनाइट शीट है, मैंने जो आई करंट लिया वो सिर्फ इतने पोर्शन के अंदर लिया म्यू नॉट इनटू आई, तो इसकी इसलिए ये रिजल्ट ऐसे यूज नहीं किया जाता। आई बाय एच यानी कि कितना करंट है और कितनी लेंथ में पास हुआ, उसकी रेशियो को बोलते हैं लीनियर करंट डेंसिटी, जिसका सिंबल या लैम्डा या जे कुछ भी, कई बुक्स लैम्डा कई जे मार्क करती हैं, तो आपने ये ऐसे यूज नहीं करना, इसकी जगह लैम्डा या जे यूज करना है। फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री करो इस फॉर्मूले की, बी का फॉर्मूला शीट इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई टू इंटू लैम्डा या म्यू नॉट बाई टू इंटू जे।